हम लौटेंगे एक दिन, एक दिन एक साथ हम लौटेंगे कश्मीर। वो कमल, वो चिनारों के साये, वो वसंत हवा, फूलों की महकती घाटियां उगाएंगे हम अपने सपनों में। एक दिन एक साथ हम लौटेंगे कश्मीर। वो तुलमुल के मेले, वो लहराती गंगा की झील, स्वामी अमरनाथ की वो आदिम राग बज उठी है अंदर हमारे सांस पर। एक दिन एक साथ हम लौटेंगे कश्मीर। फिर से गाएंगे बेटोक ललदैत और हब्बा खातून की कविता। फिर से गदराएंगे फूल, हमारे साथ हैं गहन संत फकीर ऋषि पीर। एक दिन एक साथ हम लौटेंगे कश्मीर। अंगड़ाई भरती हमारी चाहतें, उतरी है पहाड़ों पर सुनहली धूप। नव वर्ष हमारी उम्मीद, हमारी दवा, उसका तासीर। एक दिन एक साथ हम लौटेंगे कश्मीर। सहारा चाहिए सरकार, सहारा चाहिए, सहारा चाहिए, सहारा चाहिए, सहारा चाहिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए।
मेरे नबी के लिए सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए कुछ नहीं होगा तुम्हें शीन, शीन, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तुम्हें शीन, डॉक्टर डॉक्टर मेरी शीन को बचा लीजिए, मेरी शीन को बचा लीजिए डॉक्टर, मेरी शीन कोई मेरी शीन को मनु मनु क्या हुआ मेरी शीन को? बाबूजी प्लीज अपने आप को संभालिए बाबूजी प्लीज। बोलना बच्चे क्या हुआ मेरी बच्ची को, बोलना बेटा क्या हुआ? थोड़ा आराम कर लीजिए। ये कुत्ते क्यों रो रहे हैं? अमरनाथ घबराता क्यों है पंडित? तेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो, कुछ नहीं हुआ उसे। गोली लगी है उसे, कुछ कैसे नहीं हुआ? उस मासूम की जान लेने की कोशिश की गई है। अग्नि बेटा पंडित अमरनाथ को इस वक्त हिम्मत की जरूरत है बेटा। झूठी तसल्लियों से पैदा की गई हिम्मत सुबह तक भी नहीं रह पाएगी, रात के अंधेरे में ही जान दे देगी। तो क्या करें बोलो बेटा, क्या करें? यह तो मुझे भी नहीं पता, जैसे कश्मीर के हर पंडित को नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। अरे हमें अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया उन लोगों ने, कुछ अपने नेताओं पर भरोसा और कुछ अपनी ही अहिंसावादी आदतों की वजह से हम सब चुपचाप निकल आए वहां से। क्यों नहीं निकलना चाहिए था हमें? अब वापस लौटेंगे तो गोलियां चलेंगी ना हम पर। कहा तो था शीन से कि लौटने का माहौल नहीं है, मत जाओ, पर कहां सुना उसने? प्यार करने वाले कहां सुनते हैं, कहां पता होता उन्हें कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त? उन्हें तो बस प्यार ही प्यार नजर आता है। सिस्टर, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची कैसी है? हालत बहुत नाजुक है, जख्म बहुत गहरा है, आज की रात अगर कट जाए तो कल कुछ कहा जा सकता है। ना जाने ये रात कब खत्म होगी। आप लोग यहीं रुकिए। पंडित अमरनाथ जी, मैं वानी होम मिनिस्ट्री से। नमस्कार जनाब, हम तो आपके पास जम्मू गए थे मगर वहां पता चला कि आप श्रीनगर में हैं। माफ कीजिएगा, इस वक्त आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं। कैसी है शीन, कैसी है? प्रार्थना कीजिए ईश्वर से जी। देखिए अर्जेंसी है इसलिए कहना पड़ रहा है, कल ही आपको जाना है यहां से दिल्ली और दिल्ली से जनेवा। You have to address the Geneva conference. Geneva conference. मैं नहीं जा सकता जी, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में छोड़कर जनेवा जाऊं?
अमरनाथ तुझे जाना तो होगा ही, आखिर तू हमारी आवाज बन चुका है। अगर तेरा ही गला भराया तो हमारी आवाज सारी दुनिया तक पहुंचेगी कैसे? ना ना मखनलाल, मैं किसी की आवाज कैसे बन सकता हूँ जब मेरी आवाज को मेरे सीने में दबा दिया। देख मेरी बच्ची को गोली लगी है। इसीलिए तुझे कह रहा हूं अमरनाथ, आज के बाद किसी और की बच्ची को गोली न लगे, इसलिए तुझे वहां जाना ही होगा और सारी दुनिया को बताना होगा। अपने मुल्क की सरकार तो सुनती नहीं आपके बात, दुनिया की सरकार क्या सुनेगी? इस तरह मायूस होने से काम नहीं चलेगा, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। जो अब तक नहीं किया, जिसकी वजह से हमको कमजोर और कायर कहा जाता है। अरे उठाओ बंदूक और चलाओ उसके सीने पर, जो आज तक हम पर आग उगलता आया है। अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी बनकर रहने से तो अच्छा है कि अपने मुल्क के लिए मर ही जाएं। ये आज तो कैसी बातें कर रहा है? आज तक तो तूने कभी हथियार उठाने की बात नहीं की थी। आज तक शीन को कभी गोली नहीं लगी थी। शीन आज तक उम्मीद की तरह जिंदा थी हम सब के सामने। कौन बोला ये? शीन को थी मत कहना, शीन को थी मत कहना, शीन जिंदा है और शीन हमेशा जिंदा रहेगी। हाँ, ठीक कह रहा है तू, बिल्कुल ठीक कह रहा है, और इसलिए तुझे जिनेवा जाना होगा और सारी दुनिया को बताना होगा कि शीन को कुछ नहीं होगा, मेरी बच्ची को कुछ। ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। नर्स जल्दी जल्दी करो, नर्स ऑक्सीजन खत्म हो गई। शीन, मेरे कश्मीर में तो इतनी हवाएं चलती है कि सीना भर जाए। पता है शीन, सब लोग कह रहे हैं कि मैं तुझे अकेला छोड़कर जिनेवा चला जाऊं। मैं चला गया तो मेरी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगा। हां पंडित, हम सब हैं यहां शीन का ख्याल रखने के लिए। तेरा जिनेवा जाना एक आखिरी मौका है हमारे पास। इसके अलावा जो रास्ता है वो बहुत ही अंधेरी गलियों से होकर गुजरता है, और तू जानता है पंडित, अगर उस रास्ते पर चले तो रात बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी। पंडित जी, अमरनाथ जी, कहां खो गए आप? इतनी देर से बाहर क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं इन दरख्तों को, अपने कश्मीर को, और देख रहा हूं उसमें खेलती हुई अपनी बच्ची को। जब वो पैदा हुई थी तो बर्फ की गोली की तरह थी, इसलिए उसके दादा ने उसका नाम ही रख दिया था शीन।
मन्नू। हाँ बाबूजी। मन्नू, तुम्हारी वजह से ही मैं दिन रात काम में लगा रहता हूँ, ताकि जब तक तुम अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते तब तक मुझे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जमा करते रहना है, समझे? पर बोबजी, अपने पैरों पर तो खड़ा हूँ। देखो, तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हंसती इस बात पर, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हकीकत क्या है। दिन भर आवारा गर्दी करते रहते हो, कोई काम काज नहीं करते। अरे, ये दिन ना रहने वाले हैं, इस बात को समझो, इस पर सोचो। मनु, कल को मैं ना रहा तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा तुम्हें। लेकिन आप क्यों नहीं रहोगे? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मनु। बस बेटा, कोई अच्छा सा काम देख ले, शादी कर, काम कर, मैं भी थक गया हूँ अपने और तुम्हारे लिए खाना पकाते पकाते। ठीक है, मैं अमरनाथ से मिलने जा रहा हूँ। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आज के वक्त में जो नौजवान नौकरी करता है या छोटा मोटा धंधा करता है, वो बेवकूफ है। या तो सेबों के बाग हो या लकड़ी काटने के ठेके, अगर अफीम उगानी है तब भी हमारा साथ जरूरी है। और अगर इनमें से एक भी नहीं तो मुजाहिदीन बनो, अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ो। खूब पैसा मिलेगा, AK-57 मिलेगी और ताकत मिलेगी जो चाहे करने की। उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें खत्म हो जाती हैं। जब चाहे इधर रहो, जब चाहे पाकिस्तान में रहो। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, सुना है पाकिस्तान बहुत गंदा है। जब हाथ में मशीन गन हो और जेब में पैसा तो हर मुल्क खूबसूरत लगने लगता है। आदाब गनी चाचा। आदाब शौकत मियां, काफी दिनों के बाद याद आई। अब तो यार रोजाना ही आना होता रहेगा। ये बच्चे कौन है? ये अपनी जमीन के बच्चे हैं, अपने वतन कश्मीर की आजादी के सिपाही हैं, मुजाहिद हैं। मुबारक हो, जिस कौम के नौजवान उसके लिए लड़ने को तैयार हो वो जरूर कहर बनेंगे उन कायरों के ऊपर। इंशाअल्लाह, उनको तो अल्लाह की इस पाक जमीन से निकाल कर ही रहेंगे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शीन, रुको, शीन, रुको ना, शीन, शीन इस तरह दौड़ती रहोगी या रुकोगी भी? देखो, मैं तुम्हें पहले बोलो, शादी करोगे मुझसे? हाँ बोला ना, करूंगा। कितनी बार करोगे? पागल हो, शादी एक बार हो गई सो हो गई। नहीं, हर जन्म में करनी होगी, एक बार से कुछ नहीं होता। शादी एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं माने तो? अरे आज वो खुद ही कह रहे थे, शादी की सोच, हमारे घर में खाना पकाने वाली कोई नहीं है ना। क्या तुम मुझसे खाना बनाने के लिए शादी करोगे? नहीं, वो तो बोब जी के लिए, मेरी भूख तो तुम्हें देख कर ही मिट जाती है। तो ठीक है, मैं सब तुम्हारे बाबा के लिए खाना बनाया करूंगी। और अपने लिए? मुझे भी तुम्हें देखने के बाद भूख नहीं लगती। शीन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे किसने कहा? इन पहाड़ों ने। और इन पहाड़ों से किसने कहा? इन पेड़ों ने। और इन पेड़ों से किसने कहा? इस झील ने। और इस झील से किसने कहा? मैंने। तो तुम्हारे बाबूजी चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। हाँ। तो कर लो। तो आज आज ही कह देता हूँ बोबजी से कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये हमारी जंग नहीं, जिहाद है। इसमें लड़ते लड़ते अगर तुम मारे जाओगे तो सीधे अल्लाह की जन्नत में जाओगे। हमारा ये ऑपरेशन तो बैक है, इसमें फतह हासिल करने के लिए तीन सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी, पहला फर्ज है कि वादी कश्मीर में खौफ और दहशत फैलाकर जिहाद की आग में ईंधन जुटाने का माहौल तैयार करना है। फिर कश्मीर को हिंदुस्तान की सरजमीन से अलग करने के मुकद्दस मकसद को आसान करने के लिए सरकारी दफ्तरों, बड़ी बड़ी इमारतों, स्कूलों, सड़कों और पुलों को बम से उड़ाना है। ऑपरेशन टोपैक की हिदायत के मुताबिक वादी कश्मीर की आजादी की राह में खलल डालने वाली सभी सियासी शख्सियतों, सरकारी अफसरों, वकीलों, अदीबों, अखबार नवीसों और मुखबिरों को मौत की नींद सुलाकर तमाम कश्मीरी पंडितों को वादी से बाहर खदेड़ देना है। काफिरानी वतरफानी जहन्नुम। ए कश्मीर की आजादी के दीवानों, अल्लाह हर कदम पर तुम्हारे साथ है। आज के बाद आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
आपके पास एक इसी तरह की टेप आएगी और जिस पर बोले गए फरमान पर आपको अमल करना होगा। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। ऑपरेशन टोबैक कामयाब हो। ऑपरेशन टोबैक कामयाब हो। कामयाब हो। जल्दी है, जल्दी। सभी ना एक काम करो, फारूक तुम्हारा अगले कोचे में इंतजार कर रहा है, बाकी के बम उसे दे देना। हाँ जाओ। और सुनो बीएसएफ के जवान जल्दी आने वाले हैं, ध्यान से जाना। जाओ जाओ जल्दी। खुदा हाफिज़। और तुम एक काम करो, तुम हब्बा कदल पहुंचो, जाओ और तुम मेरे साथ आओ। पंडित जी ये 70 रुपए आपके वापस, पिछले महीने की 25 तारीख को आपने दिए थे उधार। उधार? ये लफ्ज इस्तेमाल ना करते तो कितना बेहतर होता। दोस्तों से कैसा उधार? समझ गया, गिन लीजिए ना। फिर वही बात, गिन लीजिए। दोस्ती कैसी जिसमें यकीन ना हो। पंडित जी हिसाब किताब बाप बेटे का होता है, गिन लीजिए। अच्छा तुम कहते हो तो गिन लेता हूं। 1, 2, 3। अरे ये तो पाकिस्तानी नोट है। हाँ तो क्या हुआ? अरे जब पाकिस्तानी टाइम यहाँ चलता है तो पाकिस्तानी नोट क्यों नहीं? और फिर यहाँ से तो लोग इधर उधर जाते रहते हैं, उसी तरह नोट भी इधर उधर जाता रहता है। नहीं भाई फिर भी बदल दीजिए। बैंक जाऊंगा तो 10 सवाल पूछेंगे। पंडित जी बैंक जाएंगे ही क्यों, ये तो दुकानदार भी ले लेते हैं। नहीं भाई फिर भी बदल दीजिए, मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया है। पंडित जी एक बात बताइए, अगर इस नोट की जगह डॉलर होता तो आप बदलते? ये तो सियासत है भाई, डॉलर से पाकिस्तान चाहने वालों को भी कोई तकलीफ नहीं है, बस भारत नाम सुनकर आग लगती है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। ये तो श्यामलाल जी का दफ्तर है। मेरे ये मेरे बच्चे मुझे अंदर जा रहे थे, कोई तो बचाए ना। तू यहाँ क्या करने आई है? ओके मनु। तू जा मनु। और तू तू जा तू घर जा तू घर जा। मैं मनु को छोड़ के नहीं जाऊँगी। तू घर जा ना। वो यहाँ अफरा तफरी है, तू घर जा। कौन? पंडित जी, इसी जगह पर 3 साल पहले इसकी मां का भी क्रियाकर्म हुआ था। अब तो बिल्कुल अनाथ हो गया मन्नू। ना, हमारे होते हुए मन्नू अनाथ नहीं हो सकता। पुलिस? पुलिस यहाँ क्यों आ गई? मखला जी, पुलिस यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं आप लोग? चलिए जाइए, आप लोग जाइए यहाँ से, ये जगह खाली कीजिए, पूरे गांव में तनाव फैलने का खतरा है, चलिए जाइए। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हो, लाश को तो जलने दीजिए। देखिए लाश को जलने दीजिए, लाश को कोई खतरा नहीं है, खतरा आप लोगों को है, आप लोग जाइए यहाँ। कैसी बात, चलिए। अब इंस्पेक्टर साहब इतना जुल्म ना कीजिए, श्यामलाल जी की रूह को सुकून न मिल सकेगा। देखिए अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो इस पूरे गांव को सुकून नसीब नहीं होगा, चलिए जाइए आप लोग यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब कुछ आप भी जाइए वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलिए ड्राइवर अमीरा कदम चलो। किधर भाग रही है तू? बाबूजी, बाबूजी मन्नू कहाँ है? वो मखनलाल के घर है। मैं जाऊँ? किधर जाएगी? मुझे जाने दो ना। किधर जाएगी? बाबूजी मुझे जाने दो। इतनी मुश्किल से श्यामलाल का क्रियाकर्म हुआ है,
सारे गांव में तनाव है, तू कैसे चली जाएगी? पर मुझे मनु अकेला होगा ना? अकेला नहीं है गुबरी, मखनलाल का सारा परिवार है उसके साथ में। चल, अकेला तो उस बदकिस्मत को हमेशा रहना ही है। क्या सचमुच हालात बहुत खराब है? हालात तो खराब ही हैं जनक रानी, एक धमाके ने बसी बसाई गलियों को उजाड़ दिया। मगर जी दया कर, मनु पापा को याद कर रहे हो? हाँ, सोच रहा था आज तक कोई जाकर वापस नहीं आया, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अभी बाबा आएंगे और कहेंगे उठकर काम कर, नालायकों की तरह यहां क्यों बैठा है। तुम मान जाना उनकी बात। कौन सी बात? अभी अभी जो उन्होंने कही थी। कब कही? तुम्ही ने कहा ना कि उन्होंने कहा कि यहां क्यों बैठा है, उठ और काम कर। काश वो खुद आते और कहते। मनु बाबा कहीं नहीं गए हैं, वो यही है तुम्हारे पास और हमेशा रहेंगे। तुम वो करो जो वो चाहते थे, वो कहा करते थे ना कि उठ और काम कर, तो मनु उठो और काम करो। तुम्हें वो सपना पूरा करना है जो वो अपनी आंखों से देखा करते थे। तुम देखना उनका आशीर्वाद रहा और काम चल के आएगा तुम्हारे पास। शीन में बिल्कुल अकेला हो गया हूं, बिल्कुल अकेला। चुप हो जाओ मन्नू, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मन्नू। सलाम अलैकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम असलम, रहमतुल्लाह बरकातहू। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अरे बड़े दिनों बाद कहाँ हो तुम? मिजाज तो सही है ना? मिजाज तो आप देख ही रहे हैं खान साहब, इस माहौल में क्या हो सकता है। हमारे यहाँ गांव में किसी मुसलमान को अब पंडितों को काम पर रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे भी पंडितों के घर है ही कितने, वो इसे रोटी तो खिला देंगे पर आगे चलकर करेगा क्या? इसे भी तो एक दिन अपने पैर पर खड़ा होना है ना। तुम्हारी तो पूरे गांव में मिल्कियत है, तुम्हें कोई क्या कहेगा सिवाय अल्लाह के। वली खान इस जमीन के बंदों से डरने वाला नहीं। बेटे आज से ही काम करना शुरू कर दो। आज नहीं, कल से आ जाऊंगा आपके पास। आज क्यों नहीं? आज किसी को बताना है। शीन मुझे चंदपुर में काम मिल गया है। नहीं मनु, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चंदपुर दूर ही कितना है? नहीं, रोज रात को मिलने आ जाया करूंगा। नहीं, मुझे डर लगता है। पागलों जैसी बात मत करो। तुम एक काम करो। क्या? एक बार मिलके बाबा से बात कर लो, उन्हें भी तो पता चले कि हम लोग। ठीक है, मैं बोबजी से आज ही बात कर लेता हूँ, चलो चलते हैं। क्या कर रही हो तुम? मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि बाबा हमारी बात मान जाए। बोबजी मान जाएंगे, बोबजी जानते हैं ना मुझे। तुम चलो। शीन, शीन, शीन। आए
अपनी शादी हो जाए, मौसम मिलने का आए, अपनी शादी हो जाए, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो। महकी मेहंदी रच जाए, कोई सेहरा भी गाए, महकी मेहंदी रच जाए, कोई सेहरा भी गाए, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो। करता हूँ इकरार मैं, भूलोगी सारा जहाँ, दूंगा इतना प्यार मैं, ओ, 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 ओ। कोई गम ना तड़पाए, महकी मेहंदी रच जाए, कोई गम ना तड़पाए, महकी मेहंदी रच जाए, अपनी शादी हो जाए, महकी मेहंदी रच जाए, कोई सेहरा भी गाए, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो। शीन, तुम क्यों डरती हो? मैं हूं ना, मैं बात करूंगा बोब जी से, तुम भी खामोखा बस। पूरे बोब जी। अरे मनु बेटा, फंस गए आज तो। जाओ ना, बात करो ना बोब जी से। स्कूल चल रहा है, आधी छुट्टी होगी तब बात करूंगा ना। मैं जा रही हूँ बोब जी से बात करने। शीन रुको ना। क्यों? मैं जा रही हूँ। शीन, मरवाएगी लड़की। मैं अपने पलंग पर बैठा उसे घंटों देखता रहता हूँ, मैं भरता। मैंने अक्सर सोचा कि काली मिट्टी से जन्मे बोब जी, आपसे बात करनी है। नहीं बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी बात करनी है ना अभी प्लीज। नहीं हो सकती, शाम को करें। बोब जी शाम को तो मनु चला जाएगा दूसरे गांव। कहाँ चला जाएगा, उसे काम मिल गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश दिव्य लोक को जाकर। चलिए ना बाबा प्लीज। सुन तो, उठिए, आइए ना। नसीम अपनी जगह पर चल, अब चल पढ़ वहां से। और बच्चों दोहराओ इसको तुम। नमस्कार मारा। नमस्कार ओरजू। बनियो बोलना, क्या दलील है? उधर बच्चे पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दो तो बोलना, क्या दलील है? अगर आप आशीर्वाद दो तो। गिर पड़ता मैं। बोल। तो मेरा मतलब है, मेरा मतलब बोल कि मैं और मैं शीन
आपस में आपस शादी करना चाहते हैं। अच्छा ये तुम दोनों का फैसला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाबा ठीक है ठीक है ठीक है ना ठीक है जब तुम ठीक है ठीक है दोनों की जोड़ी तो अच्छी लगती है। चलो ये अमरनाथ ये आरे से अपने आप कटता जाएगा लेकिन लकड़ी को कभी टेढ़ी मत करना। हाँ जी। और एक बात हमेशा याद रखना, अपने हाथ और आरे के बीच की दूरी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। जी। देखो इस तरह सीधी रखना है। बेटे तुम परेशान मत हो, मैं इन सबको देख लूंगा। चलो चलो यहाँ से। ये शिकस्त लद इस लड़ाई को जिहाद का नाम देने वाले कौम के दुश्मन है ये। मैं इन्हें अपने गाँव में घुसने नहीं देता हूँ ना, इसलिए मेरे दुश्मन हो गए हैं। बेटे बेटे तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरी जान बचा कर। बस वली चाचा अपनी शरण में रहने देना, मुझे और क्या चाहिए। बेटे तुम्हें भी एक वादा करना होगा। क्या चाचा? तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा वली चाचा। तुम भी ना बस तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? मुझसे तो एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था, पर मुझे पता था तुम बस पहुंचने ही वाली हो। कैसे? चांद जो शर्मा कर बादलों के पीछे छुप गया था। मैं तो घबराई गई थी जब चांद के सामने एक बड़ा सा बादल आ गया था। क्यों? मुझे लगा कि अगर चांद की रोशनी कम हो गई तो तुम रास्ता कैसे देखोगे। पर मैं रास्ता देखता ही कहाँ हूँ। तो फिर कैसे चलते हो? तुम्हारा चेहरा देखकर मैं चलता हूँ, तुम्हारा चेहरा देखकर जीता हूँ और तुम्हारा चेहरा देखकर ही मरता हूँ। मुझसे मरने की बात कभी मत करना, समझे? तो बताओ कैसी बात करूं? प्यार की। परवेज़ा कैसे चुक? अवतार शफी किधर ले? सब तालिबान को ये इत्तला दी जाती है कि स्कूल आज से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़े दिनों में मदरसा खुलेगा जहाँ पर सिर्फ मजहबी तालीम दी जाएगी। जब तक के लिए सब तालिबान छुट्टी पर रहें। और मास्टर अमरनाथ को ताकीद की जाती है कि वो इस तरफ का रुख ना करें। अगर उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाए तो अपनी मौत की वजह खुद बनेंगे। अल्लाह ये देखा जनाब आपने? हाँ जी देखा मैंने। ये क्या मतलब है जी इसका? मतलब क्या है इसका? वही जो इसको पढ़कर समझा जा सकता है। स्कूल कैसे बंद हो सकता है? जैसे बंद हो चुका है, सिर्फ आपको यकीन करने में थोड़ी सी देर हो रही है। ये आप कह रहे?
आप तो वही जबान बोल रहे हैं जो ये मिलिटेंट बोल। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग मान क्यों नहीं लेते ये फरमान। अरे अगर आप लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे तो हम लोग हिफाजत किसकी करेंगे, बोलिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ समझ रहा हूँ। बदकिस्मती तो यह है कि आप नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन किसी कौम का स्कूल बंद हो जाता है उसका आज ही नहीं आने वाला कल भी खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आज देखिए आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप देखो स्कूल खुलवा दो, कुछ भी गलत नहीं होगा। देखिए आप उन लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिए बस। नहीं कर सकता मैं उनको कोऑपरेट नहीं कर सकता। किसी भी गलत शुरुआत के लिए मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता। देखिए आप लोग मान जाइए प्लीज। कैसे मान जाऊं? ये तो त्रट है, एक भयानक रात की शुरुआत है। जिस रात की सुबह का यकीन ना हो उस रात को सोने वाला सोता नहीं मर जाता है, मर जाता है। ये पढ़ा आप लोगों ने? कश्मीर के सारे पंडितों को वादी छोड़कर चले जाने का फरमान जारी किया है। शर्मनाक बात तो यह है कि हमें अपनी बहू बेटियों को इन मुसलमानों के हवाले कर देने का फरमान दिया है। पंडित मुसलमानों का नाम क्यों लेता है? ये लोग जिन्होंने फरमान लिखा है ये मुसलमान नहीं है। तो फिर कौन है ये लोग? ये लोग पाकिस्तानी हुकूमत के पिट्ठू हैं, हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, और दुश्मन का कोई मजहब नहीं होता। अरे इस्लाम को मानने वाला तो अपने पड़ोसी को तकलीफ तक नहीं पहुंचा सकता। ये अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, सिरफिर हैं। हाँ एक बात मैं जरूर कहता हूं पंडित, इन सिरफिरों की धमकी को अनसुना नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग यहां से चले जाएं, लेकिन बातचीत का समझौते का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही चाहिए। जुल्म से क्या समझौता हो सकता है पंडित? आज के सारे उर्दू अखबारों में ये चेतावनी दी गई है कि हम अपनी बहू बेटियों को। ओ छोड़ पंडित मक्खनलाल, ये उर्दू जबान में इश्तिहार देते हैं और बात करते हैं कश्मीरियत की, ये भूल जाते हैं कि जो कश्मीरी जबान ये बोलते हैं इनके बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की, संस्कृत से निकली हुई है। हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपनी इस सरजमी, अपनी इस मातृभूमि को छोड़कर नहीं जा सकते। देखो भाइयों, हम इस वक्त जोश में आकर तो तय कर सकते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात सोचो, यहाँ से नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या? ना सरकार हमारी है, ना पुलिस हमारे हक में है, ना हम लोग गिनती में इतने हैं कि इन लोगों का मुकाबला कर सकें। हम तो यही कर सकते हैं कि अपनी बहनों बहू बेटियों को जहर खिला दें और खुद इनकी गोलियों का निशाना बनने का इंतजार करें। सही कह रहे हैं, रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए, रुकिए। इस तरह जोश में आने की बजाय बेहतर ये है कि हम होश में रहकर सरकार से बातें करें। पंडित जी सरकार है क्या? हम लोग तो अंधे की जोरू हैं, खुदा के सुपुर्द। मेरे हिसाब से पाइयो यहाँ रहना मौत को गले लगाना है। जमीन हमारी माँ है और माँ से अलग रहकर कोई बेटा कैसे जिंदा? आप लोग क्या कर रहे हैं इस मीटिंग में शौकत? ये फरमान तो सिर्फ पंडितों के लिए है, आप लोग तो सिख हैं। जो लड़ाई आपके भाई वहां पंजाब में लड़ रहे हैं वही तो हम यहां लड़ रहे हैं। आप लोग जाइए अपने अपने घरों में और चैन की नींद सो जाइए, समझ गए ना? ए भाई सत श्री अकाल। की होया मीटिंग में? होना क्या था, कुछ नहीं, शौकत ने हमें बाहर बुलाकर समझाया। वो इस इलाके का एरिया कमांडर है ना, उसने कहा कि उनका ये फरमान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हमारे साथ तो उनका भाईचारे का रिश्ता है ना। वो कब से भाई बन गए हमारे? हाँ पता है ना गुरुओं ने क्या कहा था? अब गुरुओं का कहा देखूं या AK-57 देखूं? तू चुप कर, सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले, बाहर जो होता है होने दे, बात कर दी है।
आज मीटिंग में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मीटिंग में। हाँ, बाद में पता चला। ओंकार की बहू को उठा कर ले गए और उसकी लाश को पुल के नीचे फेंक गए। उसकी छातियां कटी हुई थी। जानकी, लगता है पुरखों की भूमि से अब दाना पानी उठ गया है। अरे शीन, कहाँ जा रही हो? मैं तो कहीं नहीं, बस यही कहीं। अपनी माँ से झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं माँ, मैं तो मनु से मिलने जा रही थी। इस वक्त आधी रात को? मनु दिन के वक्त नहीं आता ना माँ। इसका मतलब ये तो नहीं है शीन कि तुम आधी रात को बाहर जाओगी, और वो भी ऐसे वक्त जबकि हर इंसान दरिंदा बना हुआ है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। नहीं शीन, तुम नहीं जाओगी। लेकिन लेकिन माँ, मन्नू वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। देखो, अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो खुद यहां आ जाएगा, समझी? अब जाओ, जाके सो जाओ। शीन अभी तक आई क्यों नहीं? कश्मीर है इसकी अदा का क्या कहना, ये तो कश्मीर है इसकी अदा का क्या कहना, देश दुल्हन है ये दुल्हन के तन का है गहना, तुम ताना तनाना तुम तनाना तुम तनाना तनाना तुम ताना तनाना तुम तनाना तुम तनाना।
बहारों से तेरी मांग सजाऊंगा सनम, तुझको एक रोज पालकी में बिठाऊंगा सनम। कश्मीर है इसकी अदा का क्या कहना, देश दुल्हन है ये दुल्हन के तन का है गहना। मनु का है, इसका मतलब वो यहाँ आया था। बॉब जी मनु का है, वो कल आया था बॉब जी। अच्छा, आया था तो फिर उसे घर आना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं मालूम बॉब जी, अगर मनु को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी बॉब जी, कभी नहीं। शुभ बोल बेटा, माफ तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा अपने आप को बिटिया। आदाब भाईजान, आदाब, आदाब भाईजान, आदाब, आदाब भाईजान। शौकत, शौकत देखना, इन लोगों ने मुझे यहां बंद कर रखा है और वहां शीन मेरा इंतजार कर रही होगी। अब कोई किसी का इंतजार नहीं करता वादी में, सिर्फ मौत इंतजार करती है हर कायर का। पर तू तो मेरा दोस्त है। दोस्त तुम तब थे जब मैं मुजाहिदीन नहीं बना था। एक बार जिहाद में कूदने के बाद ना कोई अपना रहता है ना कोई पराया होता है। फिर तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? बचपन के दोस्त के नाते तुम्हें समझाने आया हूं। वली खान से कह दो कि वो अपनी मिल्कियत, अपनी जायदाद की सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दे, तुम्हारी बात वो नहीं टालेगा। अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि जिहाद में लड़ने वालों का कोई अपना नहीं होता, फिर मुझमें तुम्हें कैसे तुम्हारे बचपन का दोस्त नजर आ गया? मैंने कहा था कि कोई पराया भी नहीं होता, हमें सिर्फ जंग जीतनी है और उसके लिए हम किसी को सीने से लगा भी सकते हैं और किसी के सीने में गोली दाग भी सकते हैं। अरे जंग जीतने से पहले जंग लड़ना तो सीखो। लुटेरे और डाकुओं की तरह हरकतें करने वाले जंग जीता नहीं करते, लुटेरे और डाकुओं की मौत मरा करते हैं। नहीं, मेरा हाथ तुझ पे इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि मैं तुझे जानता हूं, वरना शौकत के सामने इतना बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तू आखिरी पंडित होगा जो यहां से जाएगा। नहीं, मैं पहला पंडित होऊंगा जो सबको वापस लाऊंगा। मारे जाओगे अगर एक लफ्ज भी और बोले तो। मारोगे तुम मुझे?
पर मेरे सीने में जो दिल है उसका क्या करोगे? उसे मार पाओगे? नहीं, प्यार कभी मरता नहीं। तुम्हारे सीने में जो नफरत है वो तुम्हें खुद ही मार देगी। तुम्हें मारने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बोलता है ये, इसे अभी खत्म कर दे। नहीं, अभी नहीं। जब तक वली खान का काम तमाम नहीं हो जाता तब तक इस जावेद को पहचानते हो? ये असलम का भांजा है। असलम याद है तुम्हें? ये असलम भी आजकल बहुत हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता रहता है। तुम देखना मनु, एक दिन यही जावेद उसके सीने में सारी गोलियां उतार देगा अपनी। तुम्हारे ही कृष्ण ने कहा था ना कि जंग में कोई अपना नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं। ये तो बताओ कि जंग जारी हो चुकी? कभी तो तुम भाई बनकर आते हो, कभी दोस्त बनकर, एक बार दुश्मन बनकर तो आओ, तो फिर हम बताएं जंग क्या होती है। जनक रानी, शीन, ये यहां पर कौन लगा कर गया है? ये मैं पूछ रहा हूं, कौन लगा कर गया है यहां? सारे पंडितों को धमकी दी है कि वादिया कश्मीर छोड़कर चले जाए। कायरों की तरह कागजों पर धमकी देते हैं। सामने आए तो मैं पूछूं कि मुझे मेरे पूर्वजों की जमीन से निकालने वाला कौन है? क्या पंडित अमरनाथ अपने विरसे को छोड़कर चला जाए? ऋषियों मुनियों की भूमि है हमारी, कोई 500-600 साल का इतिहास नहीं, 5000 साल की कश्मीरियत है पंडित अमरनाथ की। मैं कमजोर नहीं बनूंगा, मैं यही रहूंगा। सिर्फ 11 घर बचे थे, 11 घर बचे थे, तब भी पंडित अमरनाथ के पूर्वज यही रहे। पूछ लो इन चिनारों से, विदिशा इस बात की गवाह है। तुम पंडित थे, मैं पंडित अमरनाथ हूं। बाबू जी, बाबू जी, हाँ बाबू जी, चलो 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 अपने घर, चलो चलो चलो, सब लोग अपने अपने घर चलेंगे। हाँ बाबू जी, जाओ, चलो चलो, सब अपने घर चलो, चलो सब अपने घर चलेंगे। आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? हम क्या चाहते? आजादी का मतलब क्या? हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? आजादी का मतलब क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, यहाँ बहुत शोर है, आप जरा ऊंचा बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, 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 मेरी बेटी को छोड़ दो, कहाँ तक मेरी जान चली गई, मेरी बेटी को, मेरी बेटी को छोड़ दो आप लोग। इस्लामा अफू परवर दिखा रहा,
नजात, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। तुम जाओ, अपने आप को ना कमरे में जाके बंद कर लो, और अगर वो दरिंदे आ जाए ना तो अपने आप को मार लेना। जाओ। जन्नत में जहन्नम का नजारा देखो, आओ जन्नत में जहन्नम का नजारा देखो, आओ जन्नत में जहन्नम का नजारा देखो, किस तरह बर्फ से उठता है शरारा देखो, किस तरह बर्फ से उठता है शरारा देखो। न रही अपनी जमीन ना रहा अपना मकान, ऐसे लोगों को बता जाए तो जाएगा, कैसे होगा भला इन सब का गुजारा देखो, किस तरह बर्फ से उठता है शरारा देखो। आओ जन्नत में जहन्नम का नजारा देखो। कर लिया, क्या ले जाए और क्या छोड़ जाए मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मन करता है कि सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाए, हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस लौट आएंगे ना। अगर यहां से सब कुछ ले गए तो ऐसा लगेगा कि हम लोग यहां वापस लौटने वाले ही नहीं है। कैसे चले जाए हम, वतन कैसे चंद लोगों से हारा देखो, किस
तरह बर्फ से उठता है शरारा देखो आओ जन्नत में जहन्नम का नजारा शिंकर शीन 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 गुबरी शीन गुबरी ये क्या मत्सर है? मैं कश्मीर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं मन्नू को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी बोब जी। वल्मिनिश मेरी बच्ची रोते नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। गोबरी रोते नहीं बच्चे, हम नहीं जाएंगे ठीक है? चल चलो अब रोना बंद आओ। शीन को कोई कुछ नहीं कहेगा जनक रानी। कहाँ गई थी ये? कहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे ना बेटा। हाँ हाँ माँ जी, हम यहीं रहेंगे। हाँ बच्ची। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक ये वली खान जिंदा है आप लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि एक भी दहशतगर्द इस गांव में कदम या ला इनको अक्ल दे। कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि इस जगह को छोड़कर चले जाओ, तो जाता क्यों नहीं हो? 24 घंटे के अंदर अंदर इस वादी को छोड़कर चले जाओ, वरना समझ गया ना तुम? तुम शौकत हो ना? शौकत एरिया कमांडर शौकत। शौकत मैंने तुझे पढ़ा है बेटा। हाँ हाँ पढ़ा है, तभी तो ये हाल है। शीन शौकत शौकत ये क्या तुम्हारे हाथ में बंदूक और वो भी अपने घर में अपने लोगों पर? आजादी की लड़ाई है ये, आजादी चाहिए हमें। दूसरों की आजादी छीनकर आजादी पाना चाहते हो? रोज झेलम से मासूमों की लाशें निकाली जा रही है, पेड़ों पर टंगे हुए लोग मिलते हैं, दरवाजों पर धमकियां चिपकाई जाती है, इसको तुम आजादी की लड़ाई कहते हो? आओ आओ इससे आजादी चाहते हो तुम? इससे डरते हो तुम? बोब जी से आजादी चाहते हो तुम, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? इन बूढ़ों से आजादी चाहते हो तुम? शौकत तुम उस बचपन से आजादी चाहते हो जिसमें पंछी और तितलियों की तरह वादियों में उड़ा करते थे? बोलो शौकत बोलो, बोलते क्यों नहीं? पुरानी दोस्ती की वजह से खामोश हूं मैं, वरना किसी और ने इतनी बकबक की होती ना तो गोलियां चला देता मैं अब तक। अब आप लोगों का साया भी इस वादी में नजर नहीं आना चाहिए, समझे ना? Thank you.
घर जा रहे हो मास्टर? शोकत, चाचा कहा करते थे तुम मुझे? अब क्या रखा है इन रिश्तों में? चलो घर छोड़ देता हूं। जब रिश्तों की कदर नहीं है तब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। शोकत, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तेरे इन हथियारों से नहीं डरूंगा। डरना पड़ेगा मास्टर, डरना पड़ेगा। गुबरा, तेरे हाथों में मैंने खिलौने देखे, ये हथियार इन हाथों में अच्छे नहीं लगते, छोड़ देने, छोड़। हमें तुम्हें जमीन पर अच्छे नहीं लगते, तुम ये जमीन छोड़ दो, हम हथियार छोड़ देंगे। शौकत मियां, शौकत मियां, शौकत मियां, शौकत मियां, यासिन साहब आए थे, कह रहे थे कि कल हमारे गांव में ह्यूमन राइट्स वाले आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स? हाँ हाँ, तो आने दो। कह रहे थे कि पंडित अमरनाथ को समझाना पड़ेगा, वरना वो कहीं हमारे खिलाफ कुछ बक ना दे। मियां बकने देंगे तब ना, जाओ जाकर सो जाओ, जाओ। ह्यूमन राइट्स। आदाब अर्ज़ मास्टर जी, मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया हूं, आप एकदम सच्चे कश्मीरी हैं, अल्लाह कसम। इतने ऐलान, इतनी धमकियों के बावजूद भी आप यहां रुके हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि धमकियां देने वाले हम लोग नहीं, वो पाकिस्तानी हैं। पंडितों और मुसलमानों को अलग करने वाले भी पाकिस्तानी हैं। अरे भाई, कश्मीरी तो कश्मीरी है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? वैसे गांव वाले बहुत इज्जत करते हैं आपकी, कहते हैं कि अमरनाथ जी ने यहां रुककर कश्मीरियों की नाक रख ली। वो क्या है मास्टर जी, के ये जो कश्मीर की खबर है ना, ये दुनिया भर में तहलका मचा रही है। तो वो अमेरिका से, वो क्या कहते हैं उन्हें, वो हाँ, ह्यूमन राइट्स वाले, वो लोग यहां आए हुए हैं। उन्हें लोगों ने बताया कि पंडितों को यहां से भगाया नहीं जा रहा है, वो तो खुद ही चले गए, और जो अपने आप को सच्चा कश्मीरी समझता है वो यहां है, जैसे कि आप। वो लोग मंदिर के पास आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। मास्टर जी, आप चले। आइए आइए। आइए सर, आइए आइए। हेलो, हेलो, गुड डे। हेलो, ही इज मिस्टर अमरनाथ, ये भी पंडित हैं, इन्हें तो यहाँ से किसी ने जबरदस्ती नहीं निकाला है, बाकी सब तो यूं ही भाग गए हैं। यू कैन आस्क हिम, आर यू स्टेइंग विथ योर कंसेंट इन कश्मीर? बोलिए ना मास्टर जी, पूछ रहे हैं आपसे, अपनी मर्जी से रह रहे हैं ना? समझ रहा हूँ बेटे, यस। Look, he's saying yes. Okay. Very good. So nobody is forcing you to go. जी नहीं. Look, he's saying no. Absolutely fine. देखिए क्या है कि पंडित यहाँ आराम से हंसी खुशी रह रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार खामखा में बदनाम करती रहती है, है ना पंडित जी? So should we move now? Yes, of course. Okay. So I wish you good luck. Goodbye. God bless you. Baliyo, baliyo. All the best. Thank you, Master Ji. Pandits are really safe here. It looks like that. नुमाइश बना कर रखती। सुनिए, इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? पता है शाम से राजा बाहर गया हुआ, अभी तक लौट कर नहीं आया। राजा? हाँ, वो सामने वाला इकबाल सारी जगह उसे ढूंढ कर आया, कहीं भी नहीं है वो। हम
ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं सुनिए हाँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम कहाँ जाओगी? नहीं नहीं नहीं, इतनी रात गए मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। लेकिन इतनी शीन, तुम यहीं रहो, हम दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा देंगे, तुम लाइट ऑफ करके बैठना। चलो कहाँ गया होगा राजा, पता नहीं। राजा, राजा! जनक रानी, चिल्लाओ मत। जनक रानी, तुम भी वही देख रही हो ना जो मैं देख रहा हूँ? मैंने कुछ नहीं देखा। आप ही देखिए। हाँ, जैसे अब तुम नहीं। राजा मेरे भाई, उठना मेरे भाई, उठ, उठना राजा, माँ, माँ राजा उठता क्यों नहीं? उठता क्यों नहीं तू, राजा? उठना मेरे भाई, भोपची से उठाओ ना, तुझे खेलना है ना मेरे साथ, तू मेरी शादी में नाचेगा ना मेरे भाई, उठ जा, नहीं में जहन्नम का नजारा दे।
तरह बर्फ से उठता है शरारा, देखो किस तरह बर्फ से उठता है शरारा, देखो बोब जी। हाँ? वहां है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मैं आती हूँ। हाँ, क्या नाम है? रविंदर कॉल। उम्र कितनी? 48 साल। रविंदर कॉल 48 साल। सुनिए भाई साहब। बोलिए। देखना तो जरा पंडित अमरनाथ के नाम से कोई टेंट अलॉट हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? लिखवाया तो था पर नंबर नहीं मिला था। तुम लोग श्रीनगर से हो, रिफ्यूजी हो, इस बात का पता कैसे चलेगा बगैर नंबर के? हैं भाई, उस नंबर के हिसाब से ही तो तुम लोगों को टेंट अलॉट होगा। समझ गई, टेंट इंसानों को नहीं नंबरों को मिलते हैं। अब यही सही तो नंबर ही बनेंगे। पोप जी, पहले हमें ऑफिस में जाकर अपने आप को रेफ्यूजी रजिस्टर कराना होगा, फिर वो हमें नंबर देंगे और इस नंबर के हिसाब से हमें टेंट अलॉट होगा। पर हम अपने आप को रिफ्यूजी को रजिस्टर कराएंगे? रिफ्यूजी तो वो होता है जो दूसरे मुल्क से आता है, हम तो अपने वतन में हैं। भारत में हम रिफ्यूजी कैसे हो सकते हैं? लेकिन बोब जी, सच्चाई यही है कि हम अपने ही वतन में रेफ्यूजी हैं। इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लिया जाए, जिंदगी उतनी ही जल्दी शुरू हो सकती है। नहीं बेटा नहीं, जिंदगी शुरू करना इतना जरूरी नहीं होता। जरूरी यह है कि जिंदगी को सही तरीके से शुरू किया जाए। अगर यहीं से हमारा पहला कदम गलत उठ गया तो हम बिखरते ही चले जाएंगे, ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन अब कौन सा ठिकाना है हमारे पास बोब जी? हमें जरूरत है अब अपने आप को संभालने की, अपने आप को बटोरने की, अपने आप को इकट्ठा करने की, ताकि हम उन ताकतों से लड़ सके जिन्होंने आज ये हालात पैदा किए। बोब जी, मैं अभी आई। संभालो बेटी, जरूर संभालो, मगर एक बात याद रहे, कहीं ऐसा ना हो संभालते संभालते और ही बिखर जाए। क्या वो सर नाम मिला? अरे नहीं भाई, पंडित अमरनाथ का नाम हमारे रजिस्टर में है ही नहीं। मैंने कहा नाम आज ही आए हैं, लगभग एक हफ्ते के बाद हमारा नाम एक कागज पर लिख दिया गया था। वो जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा था कि हम रजिस्टर में चढ़ा देंगे। पर आप एक हफ्ते बाद क्यों आए? वो एक अलग समस्या थी। आप देखिए ना कि अलॉट किया गया है कि नहीं। हमने देख लिया। तो कहाँ जाए हम? एक तो वहाँ पर दुश्मनों के मारे हुए थे, यहाँ पर अपने भी मारेंगे। गर्मी मत खाओ, क्या है कि यहाँ फेक रजिस्ट्रेशन होने का खतरा है। ओ भाई साहब, क्या आप लोग देते क्या हम कश्मीरी रेफ्यूजीज को? अरे वो तो हमारी मजबूरी थी इसलिए हम आए हैं, अपने ही घर से बेघर हो गए हैं। पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जानते हैं सरकारी कैद में जो आतंकवादी रहते हैं ना, उनको भी यहाँ के परिवारों से ज्यादा भत्ता मिलता है। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सच कह रहा हूँ, हमें जो मिलता है उससे ज्यादा तो उन आतंकवादियों को मिलता है। बताओ भाई बताओ, रात के खाने में क्या क्या खाओगे? देश के दमादों, बाद में शोर मत करना। हवलदार साहब, वैसे भी आप हमारे शोर से तो डरते नहीं, आप डरते हैं गोली से जो बाहर घूम रही है, जो आपके बीवी बच्चों को खा सकती है। ज्यादा हंसो मत, वरना ये दांत एक दिन तोड़ दिए जाएंगे। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपके चेहरे पर जो गुस्सा और मजबूरी एक साथ देखता हूँ तो मुझे मजा आता है। मेरा मोबाइल किधर है? कल तक पहुँच जाएगा। हमें रात के खाने में चिकन चाहिए भाई। हम अंदर भी राज करते हैं और बाहर भी राज करते हैं। और क्या कहती है तुम्हारी हिंदुस्तानी सरकार? क्या कहती है अभी बताता हूँ। हम राजनीतिक कैदी हैं। राजनीतिक कैदी हैं। और बोल, तुम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोल बोल, मारिए और मारिए। देखो देखो, हम कैदियों के भी हुकूक हैं। हुकूक हैं। अरे तेरे हुकूक की हंसी की। और मारिए, आने दो ह्यूमन राइट्स वालों को, फिर देखना
हम उन्हें अपने जख्म दिखाएंगे और तुम पर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। यही तो गम है, तुम लोगों को पकड़ते ही गोली मार देनी चाहिए, लेकिन हम तुम लोगों को दामादों की तरह पालते हैं। और फिर हमारा एक मिनिस्टर तुम लोगों को हवाई जहाज में बैठाकर छोड़ आता है अफगानिस्तान। क्यों इसे? सांप ने काट लिया इसे। हिमाल, हिमाल, ले लो, ले लो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ? इसकी तो सांस ही रुक गई, ये तो मर चुकी है। बोग जी, तुम यहां कैसे आ गए? जिस तरह से आपकी आंखों में आंसू आ गए, इन आंसुओं से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। ये कभी अकेले नहीं आते, जब भी आते मुझे बुला भेजते हैं। मुझे मालूम है बोग जी, आप जब भी अकेले होते हो रात को, आप रो रहे होते हो। मेरी बच्ची, हम घर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे अपने वतन। यही यकीन बनके तो मैं आपके साथ हमेशा रहती हूँ। बहुत समझदार हो गई मेरी बच्ची, बहुत समझदार हो गई। ये समझदारी आप ही ने तो दी है बोब जी। अब तो अपनी समझदार बच्ची के अरमानों को पूरा करने का वक्त है। अपनी शीन के अरमान पूरे होंगे, हम शीन जीतेंगे। मेरी बच्ची, हम जाएंगे कश्मीर, जाएंगे। साथ नहीं मिली, आप लोग लाइन में लगे, चलिए आप लोग सब लोग लाइन में लगे, सबको मिल
लाइन में लग जाइए ना। आप रो रही हैं? हाँ, जब ये सब अपनी आंखों से देखती हो तो आंसू निकल ही आते हैं। जब से आप आई हैं तब से देख रहा हूं सबका दुख दर्द बांट रही है। अग्नि नाम है मेरा, मैं भी आप ही की तरह हूं, एक शरणार्थी। मुझसे भी मेरा वतन खो गया। वहां जो हजारों बेकसूर लोग मर रहे हैं ना, उनमें मेरे भी अपने हैं। मेरी चाची डॉक्टर थी करण नगर में, अपने ही मकान में जिंदा जला दी गई। माता पिता तो ऊपर वाले ने पहले ही छीन लिए थे, जो बाकी कुछ बचे थे उन्हें नीचे वालों ने छीन लिया। खैर, अब मैं यहीं रहता हूं इन लोगों के बीच, इन्हीं लोगों में अपना रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता हूं। रिश्ते तलाश करने से कहां मिलते हैं? वैसे आपका परिवार तो आपके साथ ही आया ना, तो फिर कौन खोया आपका? जो परिवार में होना चाहिए था, जिसका इंतजार था, जो कहीं खो गया। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि मेरा मनु जरूर मिलेगा। बहुत प्यार करती हैं आप अपने मनु से? हाँ, उतना ही जितना कि तुम कश्मीर से करते हो, उतना जितना वसंत फूलों से करता है, वादियों से करता है, नदियों से करता है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा मनु, बस कोई से ढूंढ लाए। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, बल्कि दोनों मिल जाएंगे। दोनों? हाँ, हमारा कश्मीर भी और आपका मन्नू भी।
सुन रही हैं आप? अकेले यहां बैठकर क्या कर रही हैं? मैडम, मैडम, ओ मैडम, जो आपको दिख रहा है, मेरा नाम शीन है। टेंट में घुटन सी महसूस हो रही थी, इसीलिए सोचा खुली हवा में थोड़ी आजादी का एहसास हो सके। अकेले बैठने से थोड़ी आजादी मिलती है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आजादी दिलाता हूँ। तुम्हारा दुख दर्द मैं भी समझता हूँ, चलो मेरे साथ। चलो कभी बोलिए। अरे अरे चिल्ला क्यों रही हो? हम पुलिस वाले, हम पहले आए तो आप मेरी गुबरी क्या हुआ? क्या किया जी? हां हां चलो चलो। अरे अरे ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं, खामखा चिल्ला रही है, समझा लो उसे। हां हम पुलिस वाले हैं, हम किसी से डरते नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अरे कमीनो, इसी इज्जत आबरू के लिए तुम अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर आए, यहाँ भी तुम कितों की तरह फैल रहे हो। मेरी बच्ची, शर्म नहीं आई तुम्हें? मुश्ताक, ओ मुश्ताक, मुश्ताक। हाँ भाई असलम मियाँ, क्या बात है, खैरियत तो है? शौकत कहाँ है? यही कमरे में बैठा है, बुलाइए उसे। शौकत बेटे, शौकत बेटे, देखना असलम चाचा तुझे बुला रहे हैं। असलम भाई, क्या काम है, खैरियत तो है? अरे उससे पूछना है कि मेरी बहन का लड़का जावेद है ना, वो कहाँ है? 3 दिन हो गए वो घर नहीं आया, उसी के साथ घुमा फिरा करता है ना। पाकिस्तान गया है वो। क्या पाकिस्तान क्यों गया है? अब डॉक्टर या इंजीनियर बनने तो गया नहीं होगा, वापस आएगा तो उसके हाथ में बंदूक होगी, आकर गोलियां चलाएगा। आजादी चाहिए हमें। सारा कश्मीर तो वीरान कर दिया तुम लोगों ने, अब इसे आजाद करा के क्या करोगे? राज, राज करेंगे असलम चाचा, राज। असलम भाई, पंडितों के कुछ मकान तो जला दिए हैं, कुछ में हमारे वो लोग रह रहे हैं, उनके बाग बगीचे, जमीन वगैरह। अब आपको पता है किनकी बारी है? किनकी? सतनाम आई। आदाब अर्ज़ है, आपने सेना कब ज्वाइन कर ली?
तरह बर्फ से उठता है शरारा, देखो कैसे इंसान ने इंसान को मारा, देखो आजादी का मतलब कैसे क्या? भाईजान क्या है? कहाँ जा रहे हो? अच्छा तो अब मेरी इस छोटी बहन को मुझे बताकर जाना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो मास्टर जी कह रहे थे आजकल आप सही राह पर नहीं चल रहे हैं। कौन मास्टर? वो पंडित अमरनाथ तो कब का चला गया, अब कौन सा नया मास्टर आ गया यहाँ? अरे बोल ना कौन सा मास्टर? वो मौलवी साहब। इन मौलवियों की तो मैं तुझसे कितनी बार कहा है तू ये पढ़ना लिखना छोड़ और घर का कामकाज सीख ताकि तेरी अच्छी जगह शादी हो सके। ठीक है भाईजान, लेकिन आप ये सब जो करते हैं वो आप छोड़ देंगे ना? ठीक है, तू कहती है तो मैं छोड़ दूंगा, बस एक बार इस पाक जमीन को उन कायरों के हाथों से आजाद करा दूं, उसके बाद। भाईजान, भाईजान, कल रात को मैंने एक ख्वाब देखा। क्या? मैंने देखा कि मैं कुएं में डूब रही हूँ और मैं उस कुएं में डूबती जा रही हूँ और मैंने देखा आप वहां दूर खड़े थे। मैंने आपको बुलाया, भाईजान भाईजान मुझे बचा लो, भाईजान मुझे बचा लो, मैं डूब रही हूँ, भाईजान मुझे बचा लो, लेकिन आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं, आपने मुझे नहीं बचाया और मैं डूबती ही गई, भाईजान। अरे पगली, तुझे बचाने की कोशिश तो क्या, मेरे रहते तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन ख्वाब में तो बिल्कुल इसके उल्टा हुआ भाईजान। ख्वाब झूठे होते हैं ना? यही तो वो मौलवी साहब भी कह रहे थे भाईजान, आप लोग जिस ख्वाब के पीछे भाग रहे हैं वो ख्वाब झूठा है। आप एक झूठे ख्वाब की ताबीर करना चाहते हैं? ख्वाब वो झूठे होते हैं जो बंद आंखों से देखे जाएं। हमारा ख्वाब खुली आंखों से देखा गया है और उसका दूसरा नाम है इरादा। भाईजान, इरादा अगर नेक ना हो ना तो खुदा भी उसका साथ नहीं देता। तू अपना ये बोलना कुछ कम करेगी? मैं तुझसे कुछ कह नहीं रहा हूं तो तेरी जबान रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देखना कल हमारा होगा। अगर कल आया तो ना। XYZ न्यूज़, XYZ न्यूज़, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, XYZ न्यूज़। सरला, ये शोर कैसा? जी वो बाहर पंडित अमरनाथ और उनके कैंप के लोग हमारे खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। पंडित जी को अंदर बुलाओ एंड इन्फॉर्म द पुलिस एज अ प्रिकॉशन। जी वो ऑलरेडी वेटिंग रूम में है सर। कॉल हिम इनसाइड। ओके सर। XYZ न्यूज़, XYZ न्यूज़। आइए पंडित जी, बाहर किस बात का हंगामा है? हम तो फिर वही दोहराने आए हैं सीओ साहब, अगेन एंड अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू, आपका टीवी, आपका न्यूज चैनल बार बार कश्मीर के मसलात पर बहस करता है। आप मिलिटेंट के तमाम लीडरान को तो बुलाते, आप हमें से किसी को क्यों नहीं बुलाते? हम इस देश के रहने वाले हैं, इस तिरंगे को प्रणाम करते हैं, इस देश की अस्मिता को भी मानते हैं, और आप अपने चैनलों पर जिनको बुलाकर बहस करते हैं, जिनको हीरो बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो दूसरे मुल्क के इशारे पर यहां कत्लेआम करते हैं। ये मिलिटेंट हैं जिन्होंने जिन्होंने हमें हमारे घर से बेघर कर दिया है। हम यहाँ कैंपों में पड़े सड़ रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने जाने दीजिए। रेपिस्ट हैं वो, भोली भाली लड़कियों का रेप किया है उन्होंने, खूनी है वो, तिरंगा जलाया उन्होंने हमारे देश का,
लोगों को जिंदा जलाया इन्होंने सड़कों पर। सही कह रही हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों के दुख भी लोगों के सामने आने चाहिए, लेकिन लेकिन आपका कोई भी लीडर पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर? पॉपुलर मतलब? मतलब आप भी पॉपुलर हो जाइए, यानी कि आप भी वो कीजिए जो वो करते हैं, यू अंडरस्टैंड। देखिए पंडित जी, न्यूज चैनल चलाना दुकान चलाने के बराबर है। हम वही दिखाते हैं जो बिकता है और हम ठहरे कमर्शियल आदमी, इसलिए ये डेमोंस्ट्रेशन धरना वगैरह ये सब बंद कर दीजिए। इट्स टू मोनोटोनस, रेपिटेटिव, वही चीज बार बार। आप भी वो कीजिए, जलाना, काटना, मारना, मर्डर, और मुझे सिर्फ इतला कर दीजिए, मुझे एक फोन कर दीजिए, मैं अपनी कैमरा टीम सबसे पहले भेजूंगा। रिमेंबर, ऑडियंस नीड्स विजुअल ब्रेक। नफीस बरजान, तो फिर आप एक काम कीजिए सीईओ साहब, आप कल सुबह 10 बजे अपनी कैमरा टीम अपने घर भेज दीजिए। मेरे घर क्यों? चिरे टीवी गेन्स फ्रॉम होम। मतलब? मतलब हम वही करेंगे, आपके घर को आग लगाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, और फिर उसके बाद में आपके घर के अंदर जो आतंकवादी करते हैं हम लोग भी करेंगे। Shut up and get up, get out of the room I say. क्यों? Get out of the room, leave the room. ये हमें जर्नलिज्म सिखाएगा, हमें जर्नलिज्म वादिये कश्मीर के मुजाहिदों, हमारा ऑपरेशन टुपैक कामयाबी के नजदीक आ पहुंचा है। आज कश्मीर सरजमीन सियासी कारकुनों कश्मीरी पंडितों से नजात पा चुका है। आज अल्लाह की ये जन्नत उस मुखबिर और कौम के दुश्मन मुसलमानों से भी आजाद है जो जिहाद के रास्ते की रुकावट था। आने वाले दिनों में यहाँ पूरे तौर पर पाकिस्तान की करेंसी चलेगी, घड़ियों में पाकिस्तान का वक्त चलेगा, निजामे मुस्तफा का हमारा परचम लहराएगा। आमीन। सुम्मा आमीन। आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर। आजाद। इस ऑपरेशन टोपैक की कामयाबी का सिला हमें ही मिलेगा। आमीन। सुम्मा आमीन। मिलना तो चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बात हाथ से निकलती जा रही है। ये अफगान और चेचनिया के जो मिलिटेंट हैं, ये तो हमें भी कुछ नहीं समझते। कई बार तो ऐसा लगता है कि जब आजादी आएगी मुकम्मल तौर पर, तब हम इनके गुलाम होंगे और ये हमारे आका। तो क्या किया जाए, ये लोग तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम सब लोग एक काम करो, गांव में एक एक बाशिंदे पर नजर रखो। नजर तो रखे हुए हैं, असलम मामू आज ही गए हैं गांव से कहीं बाहर। गांव के बाहर कहां गए होंगे असलम चाचा? आधा वर्ष है। आप कौन? मैं असलम। यहां क्या कर रहे हैं बेटा? वो बेटा मत बोलिए। असलम अमरनाथ मैं जिगरी खोर पंडित। ओ पंडित, पंडित ओ मैं जिगरी खोर पंडित। पंडित खंजी कैसी है? अच्छी है। शीन कैसी है? और जनकरानी? चलो
पंडित अमरनाथ, मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। तुम्हारे घर और स्कूल पर मुश्ताक नजरें गड़ाए हुए है। उसने बाकी के सभी पंडितों के घरों पर कब्जा कर लिया है, पर तुम्हारे घर और स्कूल को अभी तक मैंने उसके शिकंजे से बचाकर रखा है। तुम मुझे मुख्तार नामे की चिट्ठी दे दो, जिससे मैं उसे बेचकर तुम्हें कुछ पैसे दिलवा सकूं। असलम भाई, मेरा मकान, मेरा स्कूल कोई ईंट और रेत की इमारतें नहीं है, हमारी पहचान है, हमारा वजूद है, हमारे संस्कार, हमारे पुरखों की निशानी है। ये सब बिकाऊ कैसे हो सकते हैं? मैं मुख्तार नामे की चिट्ठी तुम्हें दे देता हूं, लेकिन पैसा, पैसे का मैं क्या करूंगा? मैं नहीं बेच सकता। पंडित, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाले का नेक बंदा है तू असलम भाई। अस्सलाम वालेकुम असलम चाचा। वालेकुम सलाम शौकत बेटे, कैसे हो बेटे? मैं तो अच्छा हूँ। आप जम्मू से कब वापस आए? बस चला आ रहा हूँ। कैसे हैं अमरनाथ जी और उनका परिवार? बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। जनकरानी, ये चाबियों के गुच्छे को तू रोज रोज क्या साफ करती रहती है? अपनी उम्मीद कायम रखती हूँ, घर वापस भी तो जाना है ना। अच्छा देखो, दिखाती हूँ। ये जो पहली चाबी है ना, ये अपने आंगन की है, और ये उस कमरे की जहां तुम्हारी किताबें रखी जाती थी। ये नीचे वाले कमरे की है, ये ऊपर वाला जो छोटा कमरा था ना उसकी है, और ये उस कमरे की है जिसमें कि शीन और राजा शीन और राजा मैं और राजा मैं और राजा उस लगा चनकर हिम्मत नहीं हारते। मेरा राजा, माँ। पता, जब मैं इन चाबियों को स्पर्श करती हूँ ना, तो मुझे हमारा घर नजर आता है, हमारी जमीन नजर आती है। मैं वहां की हवा को महसूस कर सकती हूँ। मुझे हमारे सारे हमसाए नजर आते हैं जिन्होंने हमें वहां से निकाला है। शीन, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग अपने घर तो वापस जाएंगे ना? अपने वतन हम लोग जाएंगे ना वापस? हमें हमारी जड़ें मिलेंगी ना? जवाब दो ना, हम अपने वतन वापस जाएंगे ना? हाँ, हम जाएंगे अपने घर,
जाएंगे अपनी जड़ों के पास, जाएंगे अपने वतन, जाएंगे। चाहेंगे जन्नत, जरूर चाहेंगे शीन। नमस्कार, मैं कमिश्नर पंत, आप लोगों से थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। हमारे पास आने के लिए आपने इन भाइयों को तकलीफ क्यों दी? है? हमें अच्छा लगता अगर आप हमारे पास अकेले आते। इनकी जरूरत कश्मीर में है, यहाँ नहीं। आपको हमसे डर कैसा? इतना जुल्म होने के बाद भी हमने वायलेंस का साथ नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? आप लोग जाइए। आई एम सॉरी। जी कहिए सरकार। आप लोगों की चिट्ठियां और बार बार प्रश्न दिए गए बयानों से एक नतीजा निकला है कि आज आपके एक प्रतिनिधि को जिनेवा बुलाया है। आपकी अपनी बात, अपनी जुबानी दुनिया तक पहुंचाने का ये सुनहरा मौका है, और अब तो सरकार ने भी आप लोगों की बात मान ली है। ये रिचर्ड बर्नार्ड और उसके साथियों का कहना है कि उन्हें शुरू में कुछ गुमराह किया गया, लेकिन अब वो लोग भी सच्चाई जान चुके हैं। बस आप लोगों को ये तय करना है कि आप लोगों का नेता कौन होगा। इसमें तय करने का क्या है? हमारे तो सब कुछ पंडित अमरनाथ हैं। उन्होंने ही लिखी है सारी चिट्ठियां। पंडित अमरनाथ जी वो कहां मिलेंगे? आइए। नमस्कार, मैं कमिश्नर पंत। नमस्कार कमिश्नर सर। आप ही अमरनाथ हैं जी? आप ही ने वो चिट्ठियां लिखी थी? उन खतों में नाम पंडित अमरनाथ का लिखा है, लेकिन उसमें जो मजमून लिखा है वो इन सब के दिलों से निकला है। पंडित तुम्हें जिनेवा जाना है। जिनेवा? हाँ बोब जी, आप जाएंगे, आप जाएंगे बोब जी, क्योंकि आपकी आवाज सबके दिल की आवाज है, और जब ये आवाज जिनेवा में गूंजेगी तभी दुनिया को पता चलेगा कि हमें अपने ही देश में रिफ्यूजी बना दिया गया है। बोब जी आप जाएंगे। ये बिल्कुल सही कह रही है अमरनाथ जी, आप जाएंगे। तो आप जा रहे हैं जिनेवा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। वाकई ये बहुत बड़ा मौका है अपनी बात कहने का। क्या सोचा है आपने, क्या कहेंगे आप वहां? जनाब आप तो चीफ मिनिस्टर हैं इस रियासत के, आप तो सब जानते हैं। देखिए ब्रॉडली आप हमारी पॉलिसीज की बात करेंगे, पाकिस्तानी दखलंदाजी की बात करेंगे, और हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे। देखिए ऑटोनॉमी भी एक मुद्दा है, इस बारे में बात की जाए, स्टेट सेंटर, बाकी रहा सवाल कैंप्स में रहने वाले लोगों का। हम जितनी जल्दी हो सके उन्हें तमाम सहूलियतें फराहम करेंगे, जैसे राशन पानी बिजली सब मुहैया किया जाएगा। वाकई हालत बहुत ख़राब है, मैं सिंपथी ज़ाहिर विद यू। बाकी रहा हमारा मामला, We'll try and solve that within ourselves. जनाब, दी इजाजत। Bless you. बाहर चलो, बाहर चलो। कौन है तुम? शौकत की बहन। संभल के। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम प्यार करती हो ना किसी से? हाँ। मैं जानती हूँ प्यार को खोना कितना दर्दनाक होता है। हाँ। मैंने भी प्यार खोया है। हाँ। तुम पालोगी तो ऐसा लगेगा कि मैंने भी प्यार पा लिया। चलो।
मानो, शुक्र है भगवान का, ये सपना था। शीन को देखा है कहीं? किसी ने शीन को देखा है यहाँ? शीन, शीन बेटे, शीन। जनक रानी, क्या गब? पता नहीं शीन कहाँ चली गई है। नहीं है हुस्ने अमल पास आंसुओं के सिवा। क्या हुआ शीन? क्या हुआ? खून, खून, शीन, 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 नहीं शीन, कोई बचाओ, कोई है? किसने गोली मारी मेरी शीन को? किसने मारी गोली मेरी शीन को? शीन नहीं, कोई है? बचाओ, बचाओ!
सम्माननीय अध्यक्ष मंडल, विश्व समुदाय के उपस्थित गणमान्य देवी और सज्जनों, जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं उसका हल मुझे अपने वतन अपने देश में ढूंढना चाहिए, जो जायज भी है। मगर जब भी हमने अपनी बात को अपने लोगों के बीच में कहने की कोशिश की तो हमारी बात को मजहब और धर्म की तरफ मोड़ दिया। हमारे हर लफ्ज, हर दर्द को वोटों के तराजू में तोलते हैं। वोट कितने हैं, किसको कितने मिलेंगे, इस तरह से इंसानी जिंदगी को वोटों के दायरे में समेट दिया है। Surprising, yeah. आज हम अपने वतन, अपने देश में रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। हमारी बहु बेटियों के जिस्मों के साथ उन्हें जान से मार के फेंक दिया और ह्यूमन राइट्स के पैरोकार तमाशाही बन के खड़े हैं। अगर अमेरिका के 3 नागरिकों को कहीं कुछ हो जाए तो अमेरिका और आप सब लोग दुनिया को सर पे उठा लेते। हमारे ऊपर जो अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं उनको आप सब लोग एक आम जुर्म की तरह से देख रहे हैं। ये आम जुर्म नहीं है, ये एक सोची हुई समझी हुई साजिश है। इट्स अ फैक्ट। अगर किसी दरख्त, किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए तो सांस नहीं ले सकता, वो मर जाता है। मेरा कश्मीर इस वक्त एक एक सांस के लिए चटपटा रहा है। सांस चाहिए उसे, गोली लगी है, कोमा में है, सांस चाहिए उसे, जिंदगी चाहिए उसे, सांस दे दो प्लीज, उसे जिंदगी दे दो। तो खान साहब कब आए आप अफगानिस्तान से? वही कल ही आया यार। ओ सच यार, कल ही आया हम लोग। इस तरफ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ओ तकलीफ, ओ खान साहब को किस बात का तकलीफ है यार? खान साहब, आपके हुक्म के मुताबिक हम यहाँ पर निजामे मुस्तफा का परचम लहरा चुके हैं। आमीन। आमीन। अब आगे क्या? ओ आगे क्या? भाईजान। हाँ? खाना लगा दूँ? खान साहब, ये मेरी छोटी बहन है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आदाब करो ना। आदाब आदाब आदाब। बताइए ना खान साहब, अब आगे क्या करना है? ओ आगे क्या? ओ लाला, वो कैसी जरा सुनाओ। उठो उठो यार, सुनाओ, जल्दी सुनाओ सुनाओ। ए कश्मीर के मुजाहिदों, दीन और कौम के जाबाज बहादुरों, हम अल्लाह के रहम से कश्मीर को भारत से जुदा करने और फिर यहाँ निजामे मुस्तफा कायम करने के अपने मुकद्दस इरादे को तामील में लाने का करीब पहुँचते जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी ही सरजमीन कश्मीर पर अपनी फतेह का झंडा फहराएंगे। आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अब कश्मीरी मुजाहिदों खुदाया, शफिया कैसा जिहाद है ये? मुल्क आजाद करो, मुल्क आजाद।
ये सपना नहीं हकीकत है भाई।